नमस्कार दोस्तों, आइए मनीषा एंड वेलकम यू ऑल इन मनीषाज वर्ल्ड ऑफ वास्तु में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सभी देवी देवताओं की पूजा में मंत्रों का जाप विशेष रूप से किया जाता है। पूजा से जुड़ी सभी क्रियाओं के लिए मंत्र बताए गए हैं। प्रार्थना, स्नान, ध्यान, भोग के मंत्रों की तरह ही क्षमा याचना मंत्र भी है। पूजा करते समय जाने अनजाने हमसे कई तरह की भूल चूक हो जाती हैं। पूजा से जुड़ी इन भूलों के लिए क्षमा याचना मंत्र बोला जाता है। और जब हम अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं, तभी पूजा पूरी होती है। पूजा में क्षमा मांगने का संदेश यह है कि दैनिक जीवन में हमसे जब भी कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा के इस भाव से अहंकार खत्म होता है और हमारे रिश्तों में प्रेम बना रहता है। पूजा में क्षमा मांगने के लिए कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन्हें बोला जाता है। ये मंत्र हैं आवाहनम नजानमि नजानमि त्वचरणम, पूजाम श्वैव नजानमि क्षम्यन्तः परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, यत्योपूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु। इसका अर्थ यह है कि हे प्रभु, न मैं आपको बुलाना जानता हूँ और न विदा करना, पूजा करना भी नहीं जानता। कृपा करके मुझे क्षमा करें, मुझे न मंत्र याद है और न ही क्रिया, मैं भक्ति करना भी नहीं जानता। यथा संभव पूजा कर रहा हूँ, कृपा कर मेरी भूलों को क्षमा कर इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। इस परंपरा का आशय यह है दोस्तों कि भगवान हर जगह हैं, उन्हें न आमंत्रित करना होता है और न विदा करना। यह जरूरी नहीं कि पूजा पूरी तरह से शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही हो, मंत्र और क्रिया दोनों में चूक हो सकती है। हम इंसान ही हैं और भूल हम इंसान से ही होती है। इसके बावजूद चूंकि मैं भक्त हूँ और पूजा करना चाहता हूँ, मुझसे चूक हो सकती है, लेकिन भगवान मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार दूर करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप पूजा करने जा रहे हैं, पूजा संपूर्ण होने के बाद क्षमा याचना मंत्र अति आवश्यक है। बिना क्षमा याचना मंत्र के आपकी पूजा अधूरी है। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप साधारण रूप से भी ईश्वर से अपनी पूजा में हुई जो भी त्रुटियां हैं, जो भी गलतियां हैं, जो भी मिस्टेक्स हैं, उसके लिए क्षमा याचना कर सकते हैं। क्षमा याचना करने से ही हमारी पूजा सफल होती है। भूल हर किसी से होती है और हम नहीं कर सकते, हम ईश्वर की पूजा पूर्ण तरीके से नहीं कर सकते, कोई ना कोई त्रुटि रह ही जाती है दोस्तों। इसलिए ये था क्षमा याचना मंत्र। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट्स यूँ ही मिलते रहें। धन्यवाद।